भाई मेरा कैंप सर्टिफिकेट मिल गया यार, और इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखो बहुत सारे भाई यहाँ ANCC के भर्ती के लिए आते हैं, 200 से 300 लोग आते हैं, लेकिन उसमें पता है सीट कितना रहता है? 20 सीट रहता है, 30 सीट रहता है। तो जितने भी भाई मेहनत किए रहते हैं, देखो सभी लोग सोचते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जो लोग अच्छे से मेहनत किए रहते हैं उन लोग का सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसा नहीं रहता है कि NCC में सिलेक्शन हो जाएगा और हमको यूनिफार्म मिल जाएगा और हम आकर ग्राउंड में परेड कर लेंगे तो हम मतलब इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। बहुत सारे भाई अपने आप को सिपाही समझने लगते हैं, हवलदार समझने लगते हैं, आर्मी का मेजर समझने लगते हैं NCC मिल जाता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। देखो ये सब अगर मतलब दिमाग में रहेगा ना तो कभी नहीं सक्सेस हो पाओगे। अभी पता है इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्त। अगर ये नहीं है कि जो बंदा NCC नहीं करता है ना, हमारे ग्राउंड से अगर मतलब 10 लोग रहेंगे ना तो 5 लोग जैसे कुछ भी नहीं किए रहेंगे, अगर 5 लोग रेस मारेंगे तो 3 लोग बिना NCC वालों का सिलेक्शन होगा और 2 लोग का NCC वालों का सिलेक्शन होगा। तो मिला जुला कर रेस तो निकालना ही पड़ता है। और देखो जो भाई NCC करते हो मन से करना भाई, लगन से करना, नहीं तो आपका फिर सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। अभी ये कैंप सर्टिफिकेट मिला है ना, अगर ये कैंप सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिलता तो मैं पेपर में नहीं बैठ पाता। मेरा पेपर होने वाला है अभी, देखो जनवरी या फरवरी में मेरा पेपर होगा NCC का, और फिर मुझे आसाम राइफल का फिजिकल देने के लिए जाना है 8 जनवरी को है। तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है, दिमाग पर बहुत प्रेशर है भाई, और इधर इंटर का भी पेपर देना है। तो क्या करें यार, सबके लाइफ में यही चल रही है, जितने भी भाई तैयारी करते हो ना। और एक तो यार इन सब चीज़ों को तो साइड में रखो, जो अपने को डिमोटिवेट करते हैं, जो गालियां देते हैं, जो दूसरे के मुंह पर बोलते हैं कि सिर्फ वीडियो बनाते रहता है, कहीं भी रहता है, ये करता है वो करता है, तो वो टेंशन एक अलग से पड़ा रहता है। अभी कभी कभी मैं घर से यूनिफार्म पहनकर जब कॉलेज में आ जाता हूँ ना तो ऐसा बोलते हैं सब कि दिखाता है अपना वर्दी पहन कर जाता है। तो मतलब दुनिया, अगर आप कुछ भी करोगे, सही करोगे तभी भी आपको गालियाँ पड़ेंगी, गलत करोगे तभी भी आपको गालियाँ पड़ेंगी। तो कुछ सही करो यार, कुछ नाम करो, ठीक है ना। और देखो अभी पेपर होने वाला है तो ये सर्टिफिकेट पाने के लिए ना मतलब 2 साल परेड करना पड़ता है, और परेड करने के बाद कैंप लगता है। जब मैं कैंप गया था तो मैं आप लोगों को बताया था, हमारे साथी भी वहाँ पर गए थे। तो कुछ लोगों का ये सर्टिफिकेट कैंप में ही मिल जाता है, और TADA मिलता है जो ना मतलब भाड़ा किराया जो मिलता है आने जाने का, तो 70 रुपया हम लोगों को मिला था। तो रास्ते में ही मिल जाता है, कुछ लोगों को वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को स्कूल पर बुला कर दिया गया है। तो काफ़ी खुशी महसूस होती है भाई। देखो हाँ मैं जानता हूँ कि इसमें अभी देखो कुछ भाई सोचेंगे ना ये तो कैंप सर्टिफिकेट है, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन ये अपनी लाइफ है भाई। अगर ये नहीं रहेगा ना तो फिर हम पेपर में नहीं बैठ पाएंगे। अब भर्ती होंगे या ना होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन हम अपने तरफ से तो पूरा फुल कोशिश करेंगे। आया था कैंप सर्टिफिकेट मिल गया, और जितने भी भाई आसाम चल रहे हो फिजिकल के लिए तो वहाँ पर मिला जाएगा, ठीक है ना। वैसे दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इधर रनिंग भी नहीं सही से हो पा रहा है, पेपर भी देना है, तो बहुत प्रेशर है भाई। इंटर सेकेंड ईयर का भी पेपर देना है, फिर भी चलेंगे आसाम राइफल के फिजिकल के लिए। अब देखा जाएगा, फिर बार बार चांस नहीं मिलेगा। आप सभी लोगों को पता है एक भर्ती आ रही है 2 साल बाद 3 साल बाद, तो यार मतलब जो भाई तैयारी कर रहा है ना उसके ऊपर तो, और तो सब छोड़ो, मैं घर में जैसे मैं अपना मैं ही बड़ा हूँ, और आप लोग खुद सोच सकते हो जो भाई घर का बड़ा रहता है उसके ऊपर कितना जिम्मेदारी रहता है। अगर कोई मेरा बड़ा भाई रहता ना तो कोई परेशानी नहीं होता, मैं हमेशा तैयारी करते रहता, कोई टेंशन नहीं होता, कभी भी सिलेक्शन हो जाता, मतलब ये सोच कर चलता। लेकिन अभी तो बहुत प्रेशर रहता है भाई, और हमें लगता है कि आधे से अधिक लोग मतलब ऐसे हैं जैसे मैं हूँ, लेकिन कोई दिखाता नहीं है। इन सब चीज़ों को दिखाने से मतलब दूसरे भाइयों को बहुत हेल्प मिलता है, ऐसे सोचते हैं यार चलो मैं अकेला नहीं हूँ, वो भाई भी हमारे ही जैसा है। तो इसलिए भाई तैयारी में लगे रहो, कोई अमीर फैमिली का नहीं रहता है, सब ऐसे ही रहते हैं जंगल झाड़ी में रहने वाले, ठीक है ना। अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना, घर चल रहे हैं। जय हिंद, लव यू। और इसको आप लोग हल्के में मत लेना, ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है। और जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, 2 साल मेहनत करोगे 3 साल मेहनत करोगे तो ऐसे ही कागज़ का टुकड़ा मिलेगा, NCC का सर्टिफिकेट ऐसे ही मिलेगा। और पता है इसी कागज़ के टुकड़े से आपकी लाइफ बन जाएगी, आपका सपना साकार हो जाएगा, और उस वो यूनिफार्म मिलेगा ना जो आप सोते जागते मतलब चलते फिरते हमेशा सोचते रहते हो आर्मी की वर्दी चाहिए, आर्मी की वर्दी चाहिए, तो वो वर्दी ये दिलाएगी भाई यही कागज़ का टुकड़ा। तो इसको आप लोग हल्के में नहीं लेना, और इसको पाने के लिए पूरा अपना जी जान लगा देना, इस कागज़ के टुकड़े को पाने के लिए ना पूरा जी जान लगा देना। और अगर कमेंट में देखते रह जाओगे दूसरे को तो कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तो यही बस बोलूँगा भाई, अगर अपने आप को अंदर ठान लोगे ना कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है तो कर जाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं भी देखो बहुत प्रेशर रहता है, मैं सब कुछ करके भी वीडियो भी आप लोगों को हमेशा हमेशा मतलब रेगुलर वीडियो डालते रहता हूँ,
और अपना तैयारी भी करता हूँ। और देखना आप लोग, इसका पेपर दूंगा ना तो बहुत सारे भाई फेल होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही फेल हो जाऊँ लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, मैं अपना पूरा तैयारी करता हूँ, ठीक है ना, पूरा कोशिश करता हूँ। अगर मैं फेल हो जाऊँगा तो पता है मेरे कितना विरोधी खड़ा हो जाएंगे, यूट्यूब पर वीडियो बनने लगेगा कि साला वीडियो बनाता था एनसीसी का, ऐसा करता था, दूसरों को मोटिवेशन देता था, अपने खुद नहीं पढ़ता था, फेल हो गया। तो भाई पेपर अभी होने वाला है, लेकिन अपने तरफ से पूरा कोशिश है, वैसे तो फेल नहीं होंगे क्योंकि अपना तैयारी पूरी है, ठीक है ना। और वैसे बहुत सारे भाई इसमें भी फेल हो जाते हैं, दो साल एनसीसी करते हैं फेल हो जाते हैं, तो बस मेहनत करते रहना, ठीक है ना। अभी मैं भी चल रहा हूँ और स्कूल में, वहाँ से अपना बाइक लेकर घर जाऊँगा। लव यू, जय हिंद। और इधर देखो ये बंदा रौनक भाई, पैरा कमांडो, इसका ड्रीम है, ठीक है ना। और देखना जिंदगी रहेगी तो मिलेंगे, और इस भाई से भी मिलाएंगे। मास्क निकाल दो यार। ये देखो, जब अपना स्ट्रगल करता था, अपना तैयारी करता था, रनिंग करता था, तो मैं आप लोग को दिखाया था और आप लोग को बताया भी था कि इसको एनसीसी मिलेगा। आज एनसीसी मिला है, अपना यूनिफार्म नहीं पाना है क्योंकि इन लोग का यूनिफार्म अभी सिला रहा है, नए लोग हैं ना, इसलिए मैं आप लोग को आप लोग के सामने दिखाया था, इसका रनिंग भी दिखाया था। और इतने लोग आए थे ना, इतने लोगों में दूसरा नंबर पर इसका लिस्ट में नाम है, मतलब 200-300 लोग आए थे भर्ती होने के लिए, लेकिन मतलब ये जैसे 20-22 लोगों का सिलेक्शन हुआ और 22 लोगों में दूसरा नंबर पर इसका सिलेक्शन हुआ। तो आप लोग खुद सोच सकते हो, अगर हम लोग सिर्फ वीडियो बनाते तो मतलब ये सब तो नहीं हो पाता, यहाँ तो नहीं हो पाता, सिलेक्शन तो नहीं हो पाता। तो इसलिए आप लोग अपना तैयारी करते रहो, बस हम लोग का यही है ना, मतलब दिन रात इसी में लगे रहते हैं, ग्राउंड पर भी जाते हैं तो फालतू चीज़ नहीं, मतलब हम लोग आपस में बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन होगा, फिर उसमें होगा, ये जीके जीएस, मतलब कुछ भी रहता है इंपॉर्टेंट, जीके जीएस हमेशा आपस में डिस्कस करते रहते हैं। तो इसलिए अंदर से मतलब ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। और आप लोग भी यार मेहनत करते रहना, ठीक है ना। आज जिस तरह इस भाई का सिलेक्शन एनसीसी में हुआ है, कल उसी तरह इंडियन आर्मी में भी होगा, इस भाई का भी होगा और अपना भी होगा, मेहनत करते रहेंगे तो। अगर छोड़ देंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है भाई लोग, जय हिंद। इस कागज़ के टुकड़े को जरूर आप लोग लेना, ठीक है ना, इसको कागज़ का टुकड़ा नहीं समझना, ये लाइफ है, लाइफ।